उत्तर पश्चिम बंगोपसगर सृष्टि होईछि बात्या मिधिली। ओडिशा उपरे बात्यार कोनोसी सीधासळख प्रभाव पड़िबो नाही। यह उत्तर उत्तर पूर्व दिगकू घंटा को 20 किलोमीटर बेगरे गति करुछि। बात्या मिधिली उत्तर उत्तर पूर्व दिगकू गति करी बांग्लादेश उपकूलकू छुईब। आज विलंबित राति किमा आसंता काली भोर सुधा खेपुपुरा अंचल उपकूल छुईब। बात्या प्रभाव रे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर गोटी रु 2टी स्थान रे प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। 18 तारीख रे बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर जिलार गोटी 2टी स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। 19 तारीख रु पागरे परिवर्तन होई सुखिला रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। धान अमल समय वर्षा हेबार संभावना थिबारु चाषींकु सतर्क रहिबाकु कहाଯାଇଛି। उपकूल ओडिशार जमिरे थिबा पाचिला धान और पनीपरिबा अमल करी सुरक्षित स्थानकु आनिबाकु परामर्श दियाଯାଇଛି। तेबे बात्या मिधिली उपकूल अतिक्रम करिबा बेलकु पवनर बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किलोमीटर रहिपारे। अति बेसी 80 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपारे। तेणु बंदरगुड़िक 1 नंबर विपद संकेत जारी कराଯାଇଛି। मत्स्यजीवी माने कूलकु फेरी आसिबाकु कहाଯାଇଛି। गत कालीर जो आम गभीर अभिपत्ति सक्रिय थिला उत्तर पश्चिम बंगोपसगर पार्श्ववर्ती केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल आज सकाळ समय यह आहरी घनीभूत होई गोटे बात्यार परिणत होईछि जार नाम रहिछि मिधिली। एवं बर्तमान जो देखा गत 6 घंटा भितर यह जो गतिर बेग रोचे पाखापाखि 20 किलोमीटर बेगरे ये गति करुँच पाखापाखि आमर जोटा कि उत्तर उत्तर पूर्व दिगरे गति करुँची। यार कौन सीधा सड़क प्रभाव बर्तमान राज्य उपर ना। खास करके वर्षा जो रोला माने काली किसी जगार हालुका वर्षा अनुभूत होईछि। पारादीप ता सहित आमर पुरी ए सब जिले में हालुका वर्षा अनुभूत होईछि। एवं ये जो रोच आगामी जो 2-3 दिन रोच राज्य में पाग मुख्यतः भाव में सुखिला रोसी प्रभाव ना। आमर धीरे धीरे जो उपकूल ओडिशा जो प्रबन रोला ताहा धीरे धीरे कमी जाए। बर्तमान समय जे देखा मुख्यतः भाव में उत्तर पश्चिम बंगोपसगर अंचल पवनर बेग 60 ରୁ 70 सर्वाधिक 80 किलोमीटर रोचे। ए पवनर बेग आहरी वृद्धि पाइब मध्याह्न ठारू आमर जोटा कि 70 ରୁ 80 सर्वाधिक 90 किलोमीटर पर्यंत पवन रहिबार संभावना रोचे। सहित आमर केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल पवनर प्रभाव रहिब। तेणु मत्स्यजीवी मानकू आमर मुख्यतः भाव उत्तर पश्चिम बंगोपसगर एवं केन्द्रीय बंगोपसगर अंचल को बारण कर।